जिनके नयनों में स्नेह और ममता का अंजन है, जिनके जीवन में प्रेम और परोपकार का गुंजन है, जिनके रोम रोम में संयम की साधना का स्पंदन है, ऐसे गीतार्थता और गंभीरता का सुभग सुयोग यानी परम पूज्य साध्वीवर्या श्री तत्व पूर्णा श्री जी महाराज साहेब, आचरण और आज्ञा, ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय यानी परम पूज्य साध्वीवर्या श्री तत्व पूर्णा श्री जी महाराज साहेब, समर्पण और संयम का संधान यानी परम पूज्य साध्वीवर्या श्री तत्व पूर्णा श्री जी महाराज साहेब, आज से 50 साल पूर्व मुंबई माटुंगा की SNDT कॉलेज से BA की डिग्री लेने वाली रंजन बहन जीवनलाल कुवाडिया अपनी बड़ी बहन परम पूज्य साध्वीवर्या श्री चंद्र ज्योति श्री जी महाराज साहेब के पथ पर चल पड़े। कई जिनालयों से मंडित खंबात नगरी में सामूहिक 31 दीक्षा में रंजन बहन ने 25 साल की युवा वय में संसार त्याग कर दिया। तब किसको पता था कि ये रंजन बहन अपने ही छोटे भाई रोहित को प्रतिबोध करके आगे बढ़ा के शासन को परम पूज्य आचार्य भगवान श्री तीर्थ भद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की भेंट देंगे। 89 वर्ष की माता जी को संयम दिलाकर अंत समय तक अद्भुत सेवा भक्ति की गुरुवर्या श्री की गरिमा आज उनके संयम जीवन के 50वें वर्ष निमित्त गुण गरिमा का स्पर्श करेंगे। गुरुवर्या समर्पणशील है, कोई भी कार्य में आज तक अपने गुरुजनों की आज्ञा की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कभी नहीं किया। गुरुवर्या सहनशील है, सिद्धि तप, श्रेणी तप, वर्षी तप, सिंहासन तप, समवसरण तप, 16 उपवास, 28 अब तक मतलब 39 वर्ष तक किसी भी परिस्थिति में हर 14 का उपवास, 19 वर्ष तक तो चक अठम आदि के पारने पर भी एकाशना से नीचे कभी तप नहीं किया। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे कितना भी बुखार हो, कितनी भी तकलीफ हो, दवाई न लेकर मात्र सहन करना ही जिनका स्वभाव है। गुरुवर्या संयमशील है। लंबे लंबे विहार में भी 30-35 किलोमीटर का विहार करके भी सामने से लाई हुई गोचरी या पानी न वापर कर कितनी कितनी बार चौव्यार उपवास कर लेते थे। निर्दोष गोचरी, निर्दोष चर्या, अप्रमत्त जीवन, समिति गुप्ती का अनन्य उपयोग उनका जीवन पर्याय है। क्रिया चुस्तता, विधि शुद्धि का परिपालन करते हैं। गुरुवर्या स्वाध्यायशील है, दीक्षा दिन से ही आज तक कम से कम 10वें कालिक योग सार और ज्ञान सार का स्वाध्याय कैसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते हैं। हर रोज 2000 गाथा का नियमित स्वाध्याय और 10वें कालिक का स्वाध्याय किए बिना पचकान नहीं पारते हैं। गुरुवर्या संवेदनशील है, किसी भी व्यक्ति के गुणों की अनुमोदना सुने, गुरु भगवंत की कोई भी बात सुने, कोई छोटे बालक की आराधना देखे, उनका हृदय तुरंत ही द्रवित हो उठता है, आंखें जैसे बरसने लगती है, कहीं घंटों तक उसकी संवेदना अंतर में चलती है और उसमें से कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतार ही लेते हैं। गुरुवर्या समताशील है, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, लेकिन उनकी मनस्थिति हर हमेश समता रस में डूबी हुई होती है। कभी भी उनके मुख से किसी की निंदा नहीं निकलती। कोई व्यक्ति कितना भी प्रतिकूल हो, सभी को एक समान दृष्टि से ही देखते हैं। पूर्ण तत्व को पाने के लिए किया हुआ आपका प्रस्थान आपको तत्व से पूर्ण बना दे, आज के शुभ दिन यही परमात्मा से प्रार्थना है। संयम सुवर्ण वर्ष निमित्त
आप श्री को अंतर हृदय से लाख लाख शुभेच्छा, लाख लाख शुभेच्छा।